हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और आज मैं बोली थी कि आज सावित्री अमावस्या है। आज के दिन हम सुहागन बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो दिन आज फाइनली आ गया। और मैं सुबह से उठकर बस बात कर दिया है, नहा लिया है बस, और कुछ काम नहीं हुआ है। नहा के नया जो साड़ी होता है वो पहन ली मैं, और अभी मैं वो कच्चा मूंग दाल होता है वो अभी गोऊंगी, माये पूजा में होता है। और सारा फ्रूट्स मैं इधर लाके काली दोपहर को ला दिए थे अभी ने, अभी मैं उसको रख दिया, बस उसको वॉश करूंगी। और कल भी उनका छुट्टी भी था ऑफिस का, वो दो दिन जाते तो एक दिन उनको रेस्ट मिलता है, फिर नेक्स्ट जो लोगों को बुलाते हैं हाफ अप करके बुलाते हैं। पर आज जाएंगे या नहीं मालूम नहीं, आज बोल रहे थे कि होगा तो जाऊंगी, नहीं तो हाफ डे कर लूंगी करके बोल रही थी, तो देखते हैं क्या हो रहा है। और इसको मैं अभी वॉश करना है भी, ये वाला पैकेट कल सब ये आया था, थोड़ा थोड़ा चना ये मूंग दाल मैं वॉश करके से रख दी थी। अब इसको आधा में भिगाऊंगी क्योंकि ये पूजा होगा हमारा, इसको साथ गुड़ ये मस्त है। मैं अभी इसको काट के ये एक घंटा दो घंटा भिगोऊंगी इसको, जब तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा मैं रेडी हो जाऊंगी। कुछ भी मैं मेकअप वेकअप कुछ की ही नहीं हूँ, करूंगी बस सिंदूर गाना के सिंदूर लगा दिया, थोड़ा पाउडर बस इतना। अब सारा सजूंगी धजूंगी मैं आज, और रात को मैं मेहंदी लगाई थी, आप देखेंगे मैं कैसी मेहंदी कर रात को लगाई थी, मैं खुद ही लगा दी लास्ट। ये मेरे हबी ने लगाया है, देखो कैसा डिजाइन किया है। चलो वो लगाते हैं मेरे ये हाथ में, तो वही लगाते हैं इतने साल से, ये हाथ मेरा है ना, मैं उनको देती हूँ लगाने के लिए। लो भाई ड्राइंग कर लो, तुम्हारे मर्जी जितना अच्छा ड्राइंग कर सकते हो। और मेरी शादी का अभी 15 साल कंप्लीट हो गया, वो यहाँ तक ही आए हैं ड्राइंग में, सेम ड्राइंग कर देते, नहीं तो कभी क्या कर लेते उनको भी मालूम नहीं। ओके वो मेहंदी पकड़ना उनके लिए थोड़ा टफ है, पर ये मैं लगाई हूँ, मुझे भी, मैं भी इतना अच्छी नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, बट ओके चलेगा, ऐसे लाल लाल दिखना है बस मेहंदी लगाया करके। ये मैं खुद लेफ्ट हैंड से थोड़ा थोड़ा की हूँ, और मेरे हबी और मैं मिलके ड्राइंग की है इसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये तो मेरे हबी का है। और इधर इनका नाम भी है, कहाँ पे है, इस यहाँ पे। चलिए आप, मैं कल कैसे मेहंदी लगाया आप देखिए, तब तक मैं ये सारा काम करके आपके साथ मिलती हूँ। Oh, oh, oh.
अपने घर का पूजा करके मंदिर जाऊंगी। मैं हबी का पूछी हूँ, जाओ देखो मंदिर खुला है क्या, तो मैं घर का जल्दी जल्दी पूजा कर दूंगी। वो अगर देखेंगे मंदिर खुला है तो मैं ये पूजा करके, ये तो मंदिर से जाकर आकर मैं पूजा करूंगी। पहले मैं मंदिर को सजा दूंगी अच्छे से, देखते क्या होता है पूजा। ये तो हमारा पूजा खत्म हुआ, मंदिर खुला था। मैं जस्ट पूजा करने के लिए जा रही थी घर में, वो फोन करके बोले कि जल्दी आओ, 5 मिनट के अंदर नीचे आओ। पुजारी बोले 10 मिनट तक रहेंगे वो उधर। फटाफट गई पूजा करके आ गई, और हमारा जो सारा रसम जो होता है, चूड़ी पहनाना, सिंदूर लगाना, सारा हो गया है। बस अब मैं घर का पूजा करूंगी, क्योंकि इनको भी ऑफिस में जाना है ना, हाफ डे लेकर गए। कल छुट्टी था इनका, इसलिए आज इनका ड्यूटी है, इनका जाएंगे ये। मैं अभी घर का पूजा करके खाना बनाऊंगी। पहले मैं घर का मंदिर जो होता है उसका पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं घर का पूजा करके जाती थी, पर अभी तो इस साल तो जब पुजारी बोलेंगे माई गुड लक कि वो आज खुला था, आज मुझे मतलब मंदिर जाने का वो क्या बोलते लक मेरा है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत टेंशन में थी कि मंदिर खुला रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा शादी को अभी 15 साल कंप्लीट हो गया और मैं हमेशा मंदिर जाके पूजा करती थी, तो थोड़ा दिल को शांति लगता था मुझे। और ये पूजा के लिए तो मैं 1 साल तक ये मतलब इंतजार करती हूँ। मेरे एनिवर्सरी से भी मुझे ये पूजा बहुत पसंद है, ये सावित्री अमावस्या जो होता है, और इनको भी बहुत पसंद है। ये इनका भी आज फास्टिंग है, पर ये फ्रूट्स खाकर ऑफिस जाएंगे, तो बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, पराठा भी बनाऊंगी। सोच रही हूँ, मना कर रहे थे, मैं बोलती ऑफिस जा रहे हो, पराठा खाओ, ये भी मेरे फास्टिंग रखते हैं 15 साल से। देखते क्या आता, दूध भी दूंगी उनको, तो मैं अभी सारी तैयारी कर लेती हूँ। और कैसा लगा हमारा पूजा आपको बोलिए। और मैं मंदिर में तो थोड़ा ही शूटिंग की, क्योंकि उधर भीड़ ज़्यादा भीड़ नहीं था, पर हम लोगों को अनकम्फर्टेबल लगा उधर शूटिंग करना। पूजा के टाइम वो शूट करना मुझे पसंद नहीं है, और ऐसे हम भी थोड़े बहुत क्लिप बस ले लिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा करके
बस उतना ही। अभी घर का पूजा, घर का पूजा मैं दिखाऊंगी आपको कैसे करती हूँ। पहले मैं अच्छे से मंदिर को सजा दूंगी, उसके बाद मैं करूंगी। आज अच्छा से पूजा हुआ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मन को शांति लग रहा है। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था ना, और मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं था इसलिए अच्छा भी लगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होता है तो पूजा करने का जो ये पुजारी अच्छे से पूजा की भी, हम लोग का भी डिस्टेंस में मेंटेन करके ही पूजा करके आए। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ, मैं ये सब प्रसाद, ये सब पूजा करके लेकर आई मैं प्रसाद। ये हमारा जो कच्चा मूंग होता है, कच्चा मूंग, जैक फ्रूट और एक जगरी, उसको मिक्स करके हम पूजा करते हैं। ये मैंने हमारा पूजा में, और ये सब जितना वेराइटी ऑफ फ्रूट्स मिलता है उतना में हम लोग बनाते हैं। अब जितना अवेलेबल था उसमें ही हमने पूजा किया। और ये सारा सुहागन का जो निशान होता है, ये भी चूड़ी तो मैं पहन लिया। हमारा काला चूड़ी भी दो पूजा होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल है। और ये लाल चूड़ी, ये जो मैं सामने की तरफ पहनी हूँ, ये हमारा मस्ट एंड मस्ट है। ये पूजा करते, पूजा करके पहन लेते, हस्बैंड लोग पहनाते हैं बस। अभी इसको भी मैं काजल को भी लगाऊंगी, काजल भी लगाया नहीं मैं, लगाऊंगी। अब घर का पूजा करूंगी मैं। आधा ही मतलब फूल दे रही थी, इन्होंने इतना हड़बड़ी की, फट मतलब जल्दी जल्दी मैं भाग के गई, कायम शायद मंदिर बंद ना हो जाए, खुला है तो चलो। अब मैं घर का पूजा करके आपके साथ मिलती हूँ। रंगोली भी मैं डाल दिया, छोटा छोटा ही डाली हूँ मैं।
हाय फ्रेंड्स, पूरा पूजा खत्म हो गया। घर का पूजा, मंदिर का पूजा पूरा खत्म। और आज अभी बच्चे के लिए अभी नाश्ता बनाऊंगी। आज तो मैगी बनेगा, मैं बना दूंगी जल्द जल्दी, क्योंकि खाना भी बनाना है, खाएंगे वो लोग जल्दी में, लंच बना दूंगी, इसलिए मैगी बनाती। और ये सारे कल ग्रोसरी आया था, कल वो पूरा मैं डिसइंफेक्ट करके धोकर वाश करके अच्छे से बस इधर रख दी हूँ सुखाने के लिए। फिर एक दिन के बाद मैं या आज रात को होगा तो डिब्बा में भर के रख दूंगी। अभी इन दोनों बच्चों के लिए दो मैगी बना देती हूँ। टाइम जो कितना होगा, कितना टाइम हुआ, 9:00? 9:00। मैं आज 5:30 को उठ के पूरा काम खत्म कर ली थी और इसलिए जल्दी जल्दी हो गया, नहीं तो थोड़ा लेट होता। और आज में गजरा लगाई, कैसे लग रहा है ये साड़ी? ब्लाउज पीस तो, ब्लाउज तो इतना जल्दी स्टिच करने के लिए कहाँ जाएंगे। मेरा ये भी नया ब्लाउज है, इसके साथ थोड़ा मैचिंग हो रहा था। ये कलर का ब्लाउज है मेरी, मैं पहनूंगी इसको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये मेरा अच्छा ब्लाउज है, पूजा के टाइम में यूज करती हूँ इसलिए पहनी हूँ। ये ब्लैक कलर में भी, ब्लैक कलर में भी है, ब्लू में भी है, तो इतने। और कॉटन का साड़ी मैं आज बनाई, मैं ज्यादातर कॉटन का साड़ी पहनती हूँ। कॉटन का ड्रेस, कॉटन साड़ी मुझे बहुत पसंद है। राज मूंग दाल को देखकर, मूंग दाल और एक मूंग दाल में थोड़ा सब्जी देकर मैं दाल बना दूंगी और राइस बनाऊंगी। और हमारा होता है आलू भाजा, वो बिना प्याज लहसुन का तो आज बनाऊंगी। मैं तो बना के अभी पूजा, इसलिए पूजा जल्दी खत्म करके फिर बनाऊंगी, नहीं तो फिर ये मसाला चीज टच करूंगी तो फिर बात करना पड़ेगा पूजा के लिए। तो अभी तो बस सब खत्म हो गया, बस इनको पूजा करके मैं कुछ प्रसाद खाऊंगी थोड़ी देर के बाद और थोड़ा बैठूंगी। आज तो ऐसा ही कुछ ज्यादा नहीं, बस मॉर्निंग का ही थोड़ा पूजा रहता है। और ये मेरा चूड़ी देखिए कैसा लग रहा है, ये रेड वाला और ये ब्लैक, ये दोनों हमारा पूजा की थी। ये भी नया है, ये मेरी मम्मी दी थी मुझे, पर ये मैं इधर खरीद के, ये सब मम्मी देती है पर पूजा के लिए। मैं ये ब्लैक और ये रेड, ये पूजा हमारा होता है करके, ये इसको पहनेंगे आज। कोई कोई तो पहनते जब तक ये ना खराब ना हो जाए, टूट ना जाए पहनते। मैं इतना चूड़ी तो नहीं पहनती, एक दो दिन रखूंगी, उसके बाद ये ब्लैक वाला तो पहनेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट जितना टाइम ये रहेगा उतना टाइम हम लोग पहनेंगे, देखते हो क्या होता है। अच्छा लगता है कभी इतना चूड़ी पहनने में। अभी राइस उठा दिया और वो ऑफिस पे चले जाएंगे थोड़ा वो प्रसाद खाकर। अभी मैं मूंग का दाल बनाऊंगी आज सोच रही हूँ। खा ले बाबा, उधर रख दो बाबा, उधर मशीन के अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज उसका मूड नहीं, अभी लेट में उठा ना,
फ्रेश नहीं हुआ है। हाँ बाबू, जैकफ्रूट खाना है, ठीक है, प्लेट लेकर खाओ। उसको जैकफ्रूट बहुत पसंद है, पूजा करके रखी हूँ ना, वही पूछ रहे कि जैकफ्रूट खाऊंगे कि नहीं। हम खाओ, लेट लो, वॉश करके ले लो, वॉश करके लो। बस मूंग दाल को थोड़ा फ्राई करके इसमें थोड़ा अदरक कूट के डाल दूंगी, एक दो हरी मिर्च, फिर ये वाला सब्जी, इसको क्या बोलते हैं हमारे इधर तो गवार बोलते हैं, गवार ये बोलते है, इसको जो खाते है वो गवार होता है। और ये मेरा बहुत पसंद भी है मुझे, ये गवार, गवार फल, गवार फली शायद बोलते है ना, वही। चलो इतना फ्राई कर लेते, पहले मैं मूंग दाल को फ्राई कर दी, उसके बाद ये वाला वेजिटेबल डाल के, ये गवार बोलते हैं ना इसको, ये डाल के फिर इसमें दो हरी मिर्च डाल दूंगी ऐसे तोड़कर, फिर इसमें कुटा हुआ अदरक डाल दूंगी। बस इससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये कुटा हुआ अदरक और ये हरी मिर्च में। बस आप इसको तड़का भी लगा सकते हो, बिना तड़का का भी खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। और बाकी इसमें सॉल्ट डालेगी, हल्दी नहीं डालूंगी मैं इसको, ये ऐसे ही सादा ही बनता है और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। बस अब इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, नमक, बस हो गया। अब सिटी लगा दूंगी, एक सिटी में ही ये हो जाएगा डाल, अभी और 5 मिनट में शायद हो जाएगा, स्टीम आ गया राइस का। राइस भी हो गया मेरा, ओके फ्रेंड, फिर चलिए। और तब कुछ काम नहीं है, बस शाम को अभी आएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे या क्या करेंगे मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि अब किधर जाना तो नहीं है, बस घर में रहना है। अब क्या किधर जाएंगे, थोड़ा इस टाइम में ना जैसे पूजा के टाइम में 2-4 मंदिर चले जाते थे शाम को, तो इतना रिलैक्स फील होता था, अच्छा लगता था। पर अब तो ये साल वो भी नहीं है, कुछ नहीं, बस घर में ही पड़े रहो। कुछ मूवी भी वो आएंगे तो कुछ मूवी देखेंगे तो देखेंगे, बस वही प्लान है, कुछ अच्छा सा आज मूवी लगा के देखेंगे। और वो शाम को मैं खिचड़ी, वो साबुदाना जब भी गई थी उसका खिचड़ी बनाऊंगी, होगा तो वो रेसिपी भी शेयर करूंगी अगर होगा, क्योंकि शाम तक तो मैं शायद टायर्ड भी हो जाती हूँ क्योंकि फ्रूट्स खा खा कर और अच्छा नहीं लगता शूटिंग करने, मतलब कैमरा को रख कर ऐसे बक 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 कर बोलना, ऐसे बोलने बोल मतलब कैसे रेसिपी शेयर करना, क्योंकि आवाज नहीं निकलेगा शाम तक। अभी तक 5-6 बजे तक होके, 5 बजे के बाद थोड़ा बैटरी मेरा डाउन हो के आ जाएगा, सिर्फ फ्रूट्स खाती रहूंगी फिर सुबह उठ कर ये कुछ अच्छा लगेगा मुझे, पानी पीऊंगी, फ्रूट्स खाऊंगी। और मैं बाहर का जूस भी नहीं पी पाती क्योंकि स्वीट होता, मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। होगा तो वाटरमेलन है, वाटरमेलन का जूस ही बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं 3-4 बजे बनाऊंगी। अभी तो और कुछ नहीं, बस वो मूंग खा लिया, पेट पूरा भरा हुआ है, ये कुकुम्बर और ये ग्रेप्स बस थोड़ा काट के अभी रख के चले गए थे, क्योंकि मुझे काटना आलस लग रहा, मैं काटूंगी नहीं उनको मालूम है, इसलिए वो काट के बाल में रख के गए, बोले कि मैं फिर वीडियो कॉल करूंगी तब तक ये खा लेना। हाँ खा लूंगी करके बोली मैं। वो अभी एक फ्रूट्स का एक सलाद, फ्रूट सलाद पूरा एक डिब्बा में लंच बॉक्स में उनको दे दी हूँ, भूख लगेगा ना थोड़ी देर के बाद वो उनको भूख लगेगा तो वो फ्रूट सलाद वो भी खाएंगे। फिर चलिए मेरी यही वीडियो यहीं पे ही खत्म करती हूँ। और हाँ, मेरी सारे ओडिया फ्रेंड को हैप्पी वेरी हैप्पी सावित्री अमावस्या टू ऑल माई ओडिया फ्रेंड्स। फिर रहती हूँ मैं, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।